हाय, आज के इस वीडियो में आप एपर्चर जो है वो कैसे प्रैक्टिकली सेट कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं। आप देख सकते हो आज का हमारा जो सेटअप है, हम बस बाहर आ चुके हैं। ये आपको ये जो चीज़ है एपर्चर की वो प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। ऑलरेडी अगर आपको थियोरेटिकल वीडियोस चाहिए कि थियोरी क्या है, कैसे एपर्चर सेट करना है, तो उसका तो एक पूरा बेसिक कोर्स हम लोग ने बनाया था और जो हम लोग ने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पे इसकी पूरी लिंक है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि आप कैसे एपर्चर को सेट कर सकते हो एक लाइव एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग एक बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इस बुक के जो पेजेस है, अभी ये जो पेजेस है यहाँ पे, अगर आपको ऐसा फोटोग्राफी करना है कि ये एक फोकस में हो और बाकी सारा ब्लर हो, ये सारी पूरी फोटोग्राफी आज हम करने वाले हैं। मैं फाइरी मार्क 4 का कैमरा यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक 50mm का लेंस यूज़ किया है जिसका जो एपर्चर है वो f/1.8 है। अभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर आपको इसका प्रैक्टिकल जो मतलब जो थियोरी है उसकी वो पता ही नहीं है कि f/1.8 क्या होता है, f/2.8 क्या होता है, तो प्लीज़ ये वीडियो को चेकआउट कीजिए, यहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है। अभी के लिए आप प्रैक्टिकल चीज़ें समझोगे कि आप कैसे प्रैक्टिकली एपर्चर अपने कैमरा में सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो f/1.8 है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो ISO है वो 100 पर रख रही हूँ क्योंकि हम लोग अभी आउटडोर लाइट में आया है। ये AV मोड से मैनुअल मोड पर शिफ्ट कर रही हूँ। मैनुअल मोड है, जो एपर्चर है वो हम लोग अभी रख रहे हैं f/1.8, जो ISO है वो 100 है, और जो शटर स्पीड है मैं कंटिन्यू स्टार्ट से ही कंटिन्यू इसका जो शटर स्पीड है वो 1/200 रख रही हूँ। जो वाइट बैलेंस है वो मैं केल्विन केल्विन 5200। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑटो वाइट बैलेंस रख सकते हो आउटडोर लाइट में। अभी ये जो बुक है, ठीक है, मैं इस बुक का एक पेज खोल रही हूँ, कोई भी एक पेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है तो ये ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आपको समझने के लिए। ऑलराइट, अभी अगर मुझे ऐसा चाहिए कि ये जो क्वाड्रेंट्स ऑफ पोटेंशियल, ये जो लिखा हुआ है इसमें ये जो क्वाड्रेंट्स है वो फोकस में रहे, बाकी पूरा जो पेज है वो आउट फोकस चला जाए, तो आप क्या करोगे? और यही सेम थियरी अब उसको सभी जगह पे, मतलब अगर आप ज्वेलरी की फोटोग्राफी कर रहे हो या ब्राइड की जो आंख होती है उस पर फोकस कर रहे हो और बाकी सब कुछ आपको ब्लर चाहिए, आपको एक छोटी सी जो चीज़ है वो शार्प चाहिए, बाकी सारा ब्लर चाहिए, तो फिर आपको ऐसे ही अपने कैमरा में, मैंने अभी 1.8 रखा है, ये जो क्वाड्रेंट्स है मैं उस पर फोकस कर रही हूँ और ये पूरा देखो कैसे आउट फोकस चला जाएगा, उसका पूरा हम आज इफेक्ट देखेंगे। अभी आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा फोटो जल चुका है। क्यों जल चुका है? क्योंकि हमारा जो शटर स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और ISO और एपर्चर तो उतना ही रखना पड़ेगा। ISO हम लोगों ने कम से कम रखा है, अब जो शटर स्पीड है उससे हम लोग एक्सपोजर कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए अभी हम लोग जो शटर स्पीड है उसको 1/200 से डायरेक्ट 1/1000 पे लेके जा रहे हैं और अब देखते हैं कि एक्सपोजर सही आ रहा है कि नहीं। अभी भी थोड़ा सा जल चुका है, अगर आप देखोगे तो अभी भी फ़ोटो थोड़ा सा जला हुआ है। तो अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ 1/1600 के ऊपर, फिर इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। पूरा ब्लर है और जो क्वाड्रेंट्स लिखा हुआ है वो शार्प है, इवन जो पोटेंशियल और ऑफ उसका आगे का लाइन है वो भी ब्लर हो गया है। यही मेन था, अगर आप f/1.8 से शूट करते हो तो ऐसे ही आप एक चीज़ शार्प रख सकते हो और बाकी सारी चीज़ें ब्लर कर सकते हो, राइट। अभी हम ये देखेंगे कि ये जो f/1.8 है, अभी ये f/1.8 को अगर मैं f/2.8 पर शिफ्ट करूँ तो ये क्वाड्रेंट पर वापस मैं फोकस कर रही हूँ, तो देखिए थोड़ा सा ना आपको पहले से थोड़ा सा फ़ोटो डार्क दिखेगा, साथ ही साथ जो क्वाड्रेंट्स लिखा हुआ है उसके आगे का भी थोड़ा सा शार्प हो रहा है, मतलब पहले थोड़ा ज़्यादा ब्लर था अभी थोड़ा कम ब्लर है, ठीक है। साथ ही साथ फ़ोटो थोड़ा डार्क हो गया है। जब फ़ोटो डार्क हो गया है तो आपको क्या करना है, जो शटर स्पीड है उसको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। मतलब अभी हम लोग ने 1/1600 रखा था, उसके बदले अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं उसको 1/1000 के ऊपर और फिर यही फ़ोटो लेते हैं तो फ़ोटो अब थोड़ा सा ब्राइट दिखेगा। देखते हैं f/1.8 का
मैंने f2.8 किया था और जो शटर स्पीड है वो भी मैं अभी 1000 कर रही हूँ, क्योंकि पहले अब देखो पहले से ज़्यादा फ़ोटो डार्क हो चुका है, तो हमको ब्राइट चाहिए, इसके लिए मैंने अभी 1/1000 किया। ये पूरा मैनुअल सेटिंग है, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, इसके लिए सब कुछ हम खुद सेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि फ़ोटो कैसा आ रहा है। अभी आप देखोगे तो अभी फ़ोटो भी ब्राइट आ रहा है और f2.8 का जो इफ़ेक्ट है वो भी एकदम बेस्ट आ रहा है। ठीक है, अभी हम मूव ऑन करते हैं f2.8 से f4 के ऊपर और देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। देखो अभी मैंने जो एपिचर है उसको 2.8 से, यहाँ पे 2.8 था और इसको f4 पर शिफ्ट किया है, ISO जैसा था वैसा ही रहने दिया है। अभी जो शटर स्पीड है मैं और थोड़ा खोल रही हूँ, इसको 1/1000 से 1/800 पर लेकर जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पहले जब हम लोग ने किया था ना तब हम लोग को एपिचर वापस नीचे करना पड़ा था राइट एक्सपोजर के लिए, इसके लिए मैं 1/800 ले रही हूँ और साथ ही साथ f4 ले रही हूँ और देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कैसा है और राइट एक्सपोजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी आप देख सकते हो क्वाड्रेंट्स ऑफ पोटेंशियल जो लाइन लिखा है और उसके आगे का भी जो बॉक्स बनाया है वो भी काफ़ी फोकस में है। पहले क्या हो रहा था, सब कुछ ब्लर हो रहा था, सिर्फ QUA या सिर्फ क्वाड्रेंट जो था वो फोकस में लग रहा था, अभी सब कुछ ब्लर हो रहा है, राइट। तो इसके वजह से हम लोग ने इसको अब f4 पे किया और आपने इफ़ेक्ट देखा, पूरा का पूरा जो है हम लोग का f4 जो था उसके वजह से काफ़ी हद तक शार्प हो गया है। अभी आप देख सकते हो कि हम ये जो f4 है उसको हम लोग f5.6 पे कन्वर्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे आप f5.6 पे जाओगे तो हम लोग ने जो शटर स्पीड है उसको 1/500 करके देखते हैं। सेम फोकसिंग है, वहीं पर मैं फोकस कर रही हूँ जो मैंने पहले फोकस किया था। काफ़ी सारा शार्प है, मतलब अगर आप आगे का बॉक्स भी देखोगे जो क्वाड्रेंट के आगे जो बॉक्स है वो भी एकदम शार्प दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी हद तक काफ़ी, और आगे का लाइंस भी शार्प होते जा रहा है। तो अभी मैंने f5.6 को f8 में कन्वर्ट किया है, जो शटर स्पीड है वो 1/250 की है, ISO वहीं का वही रखा है और वाइट बैलेंस भी वही रखा है और अब देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। आप देख सकते हो कि बहुत सारी लाइंस शार्प है, इवन नीचे का जो पैराग्राफ है वो भी एकदम शार्प हो चुका है, तो ये पूरा का पूरा अभी काफ़ी हद तक शार्प दिख रहा है और जो एक्सपोजर है वो भी एकदम कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि हमने हर बार नीचे नीचे हम लोग एक्सपोजर पे जाते गए, पहले हमारा 1/1600 था, अभी हम लोग 1/250 पर खड़े हैं और साथ ही साथ हमारा जो एपिचर है पहले वो f1.8 था, अभी वो f8 पे आ चुका है। इतना एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर सेम रखने के लिए हम लोग ने एपिचर और शटर दोनों को बैलेंस किया है और ISO वही का वही रखा है। ओके, और आप देख सकते हो कि जो इफ़ेक्ट है वो भी चेंज हो रही है, पहले सब कुछ ब्लर दिख रहा था अब काफ़ी हद तक शार्प दिख रहा है। अभी f8 को हम f11 पे लेके जाएंगे, बहुत सारा शार्प आ रहा है, पूरा सब कुछ शार्प दिख रहा है, सिर्फ नीचे का थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। ठीक है, जो शटर स्पीड 1/125 थी उसको हम लोग ने नीचे 1/60, मतलब आधे पे, हम लोग हर बार आधे आधे पे जा रहे थे अगर आपने नोटिस किया हो तो, f16 का f22 किया है और जो शटर स्पीड थी वो 1/60 से 1/125 या 1/30 रख देते हैं, 1/30 रख के देखते हैं। अभी क्या हो रहा था, मुझे हाथ में जर्क फील हुआ, मतलब मेरा जो अभी मैं फ़ोटोग्राफी कर रही थी तो मुझे लगा कि थोड़ा हाथ जर्क आया, मतलब जैसे ऐसे में कर ही रही थी फ़ोटोग्राफी, आवाज़ भी सुनोगे तो ऐसा लगता है थोड़े टाइम के बाद फ़ोटो खींचने में आ रहा है। काफ़ी धीरे से आ रहा है, यू नो पहले एकदम फटाक से आना था, अभी धीरे से, क्यों? क्योंकि शटर स्पीड हम लोग ने लो कर दी है, मतलब अभी पहले 1/1600 थी, अभी हम लोग ने कर दी है 1/30, तो इतनी शटर स्पीड डाउन हो गई है क्योंकि हमको एपिचर ज़्यादा चाहिए था। अभी f22 है और आप इफ़ेक्ट देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो पेज है वो शार्प दिख रहा है, जो पहले एकदम ब्लर दिख रहा था। ISO वही का वही है, एक्सपोजर भी सही जा रहा है, इतना ही है कि आपने शटर को बैलेंस किया एपिचर को राइट सेट करने के लिए और एपिचर में आपने अलग अलग जो ब्लर की इफ़ेक्ट थी वो आपने नोटिस की। ठीक है, वाइट बैलेंस भी वही का वही था,
ऐसे है एपिचर, एपिचर की जो इफेक्ट है वो आपको ऐसे ही सेट करनी है। मैनुअल मोड पे आप ऐसे सेट करिए, अगर आपको हर बार बारी बारी आपको सेट नहीं करना है, आपको सेट क्या करना है, आपको शटर सेट करना है। बारी बारी आपको शटर सेट करना पड़ रहा था ना, इससे टाइम पास बहुत होता है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है तो आप ये एपिचर प्रायोरिटी में चले जाइए। जैसे ही आप एपिचर प्रायोरिटी में जाओगे, आपको डायरेक्ट एवी मोड पे जाओगे, तो आप एपिचर खुद सेट करो और शटर स्पीड अपने आप सेट होने लगेगा, ठीक है, और आईएसओ वहीं का वहीं रहेगा। आप समझ सकते हो ये सेशन कितना अच्छा था। एपिचर आई गेस आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया है। मेरे ख्याल से अब ये दो वीडियोस, मतलब एपिचर का थियोरी वीडियो और आज का हमारा ये प्रैक्टिकल वीडियो, दोनों देख लो, आपको एपिचर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या तो फिर हमको इंस्टाग्राम photography_educators पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे हमको DM कर सकते हो। बाय देन, थैंक यू सो मच, सी यू सून।